कोई विकास दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या पता कितना करोड़ लगाया है क्या नहीं लगाया, हमें क्या मालूम। जब कोई दिखाई पड़े कि हाँ किस जगह पे लगाए हैं 14 करोड़ रुपए। मैं तो कन्हैया कुमार की छवि में देखता हूँ लाल बहादुर शास्त्री का। शास्त्री का गुण जो है ना इसमें है। जो बेचारे व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आज खाए कल के लिए उनके लिए काम ही नहीं है, दो हाथ दिए हैं, वो काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, बेचारों के बच्चे परेशान हैं, तो वो क्या करें। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी के इस प्रोग्राम में लगातार हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट का सर्वे कर रहे हैं और आज हम फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट के वार्ड 220 के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारी मुलाकात यहां पर कुछ लोग आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ लोग पार्क में बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि यहां पर जिस तरह से कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी को लेकर जो एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें अब की बार किस्सा कुर्सी के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि अब की बार यहाँ की जनता किसको अपना मत अधिकार का प्रयोग करके सदन में भेजने जा रही है और कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी कौन है, किस पर भारी। तो जीता तो सीधा हम यहाँ की जनता से जानेंगे और जनता से ही आपको रूबरू कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, यहाँ पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी बार कौन बाजी मारेगा? आपकी कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे। कारण क्या रहेगा कन्हैया कुमार का? अरे कारण क्या है, जो मनोज तिवारी इतने साल से रह रहे हैं, सदस्य बने हुए हैं, लेकिन कुछ किए नहीं आज तक, तो अब हम लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। मनोज तिवारी कहते हैं मैंने 14,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाकर विकास किया है अपनी लोकसभा सीट का। कोई विकास दिखाई नहीं देता, तो हमें क्या पता कितना करोड़ लगाया है क्या नहीं लगाया, हमें क्या मालूम। जब कोई दिखाई पड़े कि हाँ किस जगह पे लगाए हैं 14 करोड़ रुपए। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार यहाँ के क्षेत्र के? कोई ऐसा विकास का मुद्दा जो अभी तक होना था वो नहीं हो पाया? अब इसके विषय में तो हम क्या बताएं। अच्छा चलिए, कोई नहीं, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या थे और पिछली दो बार लोकसभा सीट पर लगातार यहाँ से मनोज तिवारी को यहाँ की जनता जिता रही थी, लेकिन जनता का कुछ कहना यह भी है कि अब की बार वो सत्ता में भी परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन सर, क्या नाम है? भरत सिंह। भरत सिंह जी, जानेंगे किस तरीके का माहौल है यहाँ पर कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार पहली बार लड़ रहे हैं, 10 साल से मनोज तिवारी को भी हम देख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पार्क हैं, छोटे छोटे सड़कें हैं, खरंजे हैं, नालियाँ, कुछ नहीं हो रहा, जो उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब क्या इसको देख कन्हैया कुमार को देखना चाहते हैं, मतलब की बात परिवर्तन की राह पर चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो परिवर्तन की राह कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है और मनोज तिवारी का सदन में जाना भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता अब की बार उनका रास्ता कठिन करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी यहाँ की जनता किसके साथ जाएगी। और बाबा, क्या नाम है? रामलाल। क्या लगता है आपको? मैं तो कन्हैया कुमार की छवि में देखता हूँ लाल बहादुर शास्त्री का। अच्छा, शास्त्री का गुण जो है ना इसमें है, ये भी साधारण परिवार से है, शास्त्री भी साधारण परिवार से थे, ये जो है ना सच्चा आदमी है, काम जो है ना ढंग से करेगा। अब हाँ, पढ़ा लिखा तो है ही। मनोज तिवारी इतना काम किए हैं क्षेत्र के अंदर, 14,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने, 14,500 का विकास किया है, क्या वो विकास समझ में नहीं आया आपके? नहीं आया, कागजों पर होगा, कागजों पर होगा, तो जब सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, तब तो सही माना जाएगा। तो ये सामने देख लो, सारी पेड़ सूख गए, सारे सब खत्म हो गए, तो ये सामने ये सब काम करने वाले है नहीं। 10 साल हमने देख लिया, मास्टर जी ने सही बोला। हाँ, तो 10 साल तक लगातार आपने मनोज तिवारी को वोट दिया? हाँ, तो 10 साल हमने 2 बार दिया।
लेकिन कुछ काम नहीं किया, कुछ काम। तो क्या लगता है सर, परिवर्तन या फिर कन्हैया कुमार या मनोज? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने जो है इस मामले में कुछ नहीं किया। मेरा मनोज तिवारी से मोदी सरकार से आग्रह है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो वो तो कहते हैं कि हम 400 पार सीट जीत रहे हैं और अब की बार हमारी 400 सीट आई। देखिए वो तो ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत जाते हैं। अच्छा। वो जब तभी तो 400 पार कहते कहते हैं। तो मोदी सरकार का भी विकास समझ में नहीं आ रहा। मोदी ने तो देश को जो है मजबूत कर दिया और देश सुरक्षित हाथ में। एक चीज़ और है मैं बता दूँ, सबको नहीं मालूम है, मनमोहन सिंह के ज़माने में जो है कर्जा हमारे देश में बहुत कम था, मोदी के ज़माने में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। वही शिक्षित आदमी जानता है तो कर्जा लेकर कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत बताते हैं कि तकरीबन 2,00,000 करोड़ कुछ ऐसे करके। इनके ज़माने में कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, वो देश के ऊपर तो भारी है ना वो, बताइए। बाबा आप तो काफ़ी वर्षों से वोट करते आ रहे हैं और आपने काफ़ी सरकारें भी देखी होंगी, तो क्या लगता है मोदी सरकार और अन्य सरकारों में क्या डिफरेंट नज़र आता है? मोदी सरकार जो है झूठ पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार मैं 10 साल से देख रहा हूँ। शुरू में जब मोदी जी आए थे तो लोगों ने इसीलिए उन्हें वोट किया था कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। हैं 2 करोड़ रोज़गार की जगह ये तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रोज़गार भी नहीं दे पाए आज तक। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरा ये है, कोई भी इंसान इतने बड़े पद पर हो करके उसे कम से कम सत्य का सहारा लेना चाहिए और सत्य की ही हमेशा विजय होती है, लेकिन इन्होंने कभी भी सत्य का सहारा नहीं लिया, ये हमेशा झूठ बोलते रहे। अब झूठ कब तक बोलेंगे, क्योंकि काठ की हांडी जो है एक बार ही चढ़ती है। इसलिए मोदी सरकार मेरे ख्याल से तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल असक्षम रही है, इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। अच्छा, मैंने अभी इंटरव्यू करते समय बहुत से लोग मेरे सामने आते हैं तो उनका कहना है कि मनोज तिवारी ने काम तो नहीं किया है, हम भी बोलते हैं लेकिन वोट मनोज तिवारी को देंगे क्योंकि मोदी जी को जिताना है। अब वो देखो हर आदमी का अलग अलग विचार है, वो अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन हम तो हमारा कोई मोदी से पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थोड़ी है, न मनोज तिवारी से है। हमारा तो ये हमेशा सिद्धांत है कि भाई जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आज कन्हैया कुमार के लिए हम जैसे वोट देने के लिए यहाँ सभी बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, अगर आगे चल करके कन्हैया कुमार भी काम नहीं करके दिखाएंगे तो इनको भी हम बदलेंगे। कोई हमारा उनसे व्यक्तिगत वो थोड़े ही है किसी से भी, लेकिन भाई जनता क्या चाहती है? जनता तो ये चाहती है कि उसको जो है सुकून मिलना चाहिए, है रोज़गार मिलेगा। आज हालात इतने ख़राब हैं, मैं तो मान लो पेंशनधारी हूँ, मुझे तो गुजारा हो रहा है, लेकिन जो बेचारे व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आज खाए कल के लिए, उनके लिए काम ही नहीं है। 2 हाथ दिए हैं, वो काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। बेचारों के बच्चे परेशान हैं तो वो क्या करें, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। अब मैं क्या कहूँ इसके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये वो लोग हैं जो यहाँ की जनता पूरे चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और इनका मानना यह है कि हम सत्ता में परिवर्तन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। यानी इससे पहले भी इन्होंने पिछली सरकारों में परिवर्तन करके मनोज तिवारी को जिताया था ताकि यहाँ पर विकास हो सके, लेकिन 10 वर्षों में जिस तरह का यहाँ का हालात ये जनता बता रही है, इससे सीधा सीधा स्पष्ट संदेश इनका है कि अब की बार हम परिवर्तन चाहेंगे और परिवर्तन के रूप में अगर कोई विकल्प नज़र आता है तो वो कन्हैया कुमार नज़र आता है। लेकिन कन्हैया कुमार इनके उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल है। हीरा लाल जी क्या लगता है, बैठ जाओ मैं भी। क्या लगता है आपको मनोज तिवारी कन्हैया कुमार क्या लगता है? सर परिवर्तन होना नहायत ज़रूरी है, कारण हमारे तिवारी जी आज से 10 साल पहले सांसद रह चुके हैं। सांसद रहने के बाद ये सब इसका नाम डिस्ट्रिक्ट पार्क है, नंद नगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क। इसमें तिवारी जी आए, इन्होंने खेल करवाया और जो सड़कें तोड़ दी उनसे कहा गया कि वो उन्होंने बोला कि हम सब ठीक करवा देंगे। यहाँ 3 साल हो चुके सब, पानी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, जबकि यहाँ 4-5 ट्यूबवेल थे वो सब ठप पड़े हुए, बनवाने के लिए कहा गया तो नहीं बनवाया गया। अभी हालत के साथ ग्राउंड देख रहे, पेड़ कैसे सूख रहे हैं, ये
कम से कम जो सांसद है, जो हमारा प्रतिनिधि है, उसको तो सोचना चाहिए। कुछ नहीं सोचे, सिर्फ आज खेल करवा दिया। अभी हमारे बाबा जी आए थे और वो बोले हैं कि हमने हम बाबा का हमें मालूम नहीं, जबकि सब काम इन्हीं का करवाया हुआ था। तो ऐसा क्यों बोलते, क्यों झूठ बोलते? झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ लगातार जनता से बोला जा रहा है, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम क्योंकि हम तो साफ फौजी आदमी हैं, सत्य बोलते हैं। सच कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आप फौजी हैं? यस भाई साहब, मैं फौजी हूँ और मैं तो मेरा तो पेंशन से गुजारा हो रहा है। यहाँ आप देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तब से बच्चे जो नौजवान भाई जैसे बेचारे दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। कोई वो नहीं है, किसी को कोई नौकरियां लगा दे, क्या इतनी नौकरियां निकाल दी, पेपर दिलवा दिए, बोला पेपर लीक ख़त्म। तो ये सब पैसे कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो नंदनगरी ये क्षेत्र है और आपका थाना नंदनगरी भी पास में ही है, क्राइम को लेकर क्या कहेंगे आप? क्राइम को लेकर क्या? क्राइम के बारे में सर नहीं कह सकता, क्योंकि क्राइम मैंने यहाँ देखे नहीं है। मैं रहता हूँ सर मंडोली में, वैसे क्राइम की हम नहीं बता सकते। क्राइम तो अब क्राइम वाली बात है, ऐसी ऐसा क्राइम तो होते रहते हैं यहाँ। कोई ना कोई किसी का पर्स छीन लिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, ये काम होते रहते हैं यहाँ। ये तो नॉर्मल है, जैसे अंधेरा हुआ, मतलब आदत पड़ गई है इसकी आपको, यहाँ की है नॉर्मल बात है ये सर। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी कि पर्स छीन लेना, मोबाइल छीन कर भाग जाना, यहाँ की जनता का ये तो नॉर्मल बात है, यानी एक आदत इस चीज़ की यहाँ की जनता को पड़ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्राइम रेट को भी यहाँ पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन अभी और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? रामदास सिंह। क्या लगता है आपकी बार, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जी। कारण क्या रहेगा कन्हैया कुमार को लाने का? मनोज कुमार जी, 10 साल से हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पार्क में जो वो खेल भी कराते हैं, लेकिन पार्क में पौधे सारे सूखे हुए हैं, कहीं कहीं पार्क में घास नहीं मिलेगी। सुबह को सेहत बनाने के लिए हम आते हैं तो धूल उड़ी हुई होती है, तो चारों तरफ धूल ही धूल उड़ी रहती है और सारे पौधे सूखे पड़े हैं, कहीं घास तक का निशान नहीं है। आज तक कोई काम नहीं कराया उन्होंने। तो पार्क ही मुद्दा रहेगा या और भी मुद्दे रहेंगे? पार्क का भी मुद्दा है और जो यहाँ जो क्राइम भी होते रहते हैं, किसी का मोबाइल छिन जाता है, कोई लेट सेट जैसे आता है तो उसको पकड़ लेते हैं, किसी को चाकू मार देते हैं। एक 2-3 महीने पहले जो है एक जो मर्डर कर दिया था पार्क में, तो ये सब काम होते रहते हैं। तो आपने अपने सांसद से इस चीज़ की शिकायत नहीं लगाई? सांसद को जो एप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। अच्छा, मुलाकात कई बार हुई आपके मनोज तिवारी? वैसे मुलाकात तो होती रहती है, जब गेम वेम कराते हैं तो मुलाकात तो होती है, कहते भी हैं उनसे, कहते हाँ जी काम कराएंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। मतलब लगता है झूठे वादे होते हैं। हाँ जी। तो जनता बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है इन झूठे वादों से, और लगातार यहाँ पर मनोज तिवारी जी बता रहे हैं कि खेल के माध्यम से आते रहते हैं, खेल कराते रहते हैं, और हम उनको लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कराते रहते हैं कि हमारे पार्क में क्राइम का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, और पार्क के अंदर ये पेड़ पौधे और यहाँ के जो समरसेबल या ट्यूबवेल हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ की हरियाली भी धीरे धीरे सूखती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते यहाँ की जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है। 10 साल मनोज तिवारी को यहाँ पर सांसद के रूप में इन्होंने अपना वोट अधिकार देकर सांसद बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के लगता है, जनता को, कि मनोज तिवारी इनके उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। बाबा, आप तो लग रहा है काफ़ी वरिष्ठ हैं, कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते? हमें कम से कम 45 साल हो गए। 45 साल, तो काफ़ी सरकारें देखी आपने तो यहाँ पर? बिल्कुल जी, देखे हैं। तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से सबसे अच्छा काम कराया अब तक? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ने पहले जितना काम किया वही आज भी चल रहा है, बढ़िया सरकार रही। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैंने पूरा कायाकल्प पर कर दिया है और आज देश सुरक्षित हाथों में। देश पहले भी सुरक्षित था, मोदी जी इसको बचा नहीं लिए। मोदी जी झूठ बोलते हैं। देश पहले भी जो कुछ बना पहले का बना है, ये पार्क भी पहले का बना है। पार्क पहले यहाँ हरा भरा था, आज एकदम से ये वीरान हो गया। और सांसद से आम आदमी मिल ही नहीं पाता,
अच्छा, सांसद से आम आदमी मिल ही नहीं पा नहीं सकता। आम आदमी सांसद को पता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में कितने आदमी दुखी हैं, कितने भूखे हैं, कितने बेरोजगार। सांसद तो नाम नाम के थे और अब की कन्हैया कुमार है। अच्छा, अब की कन्हैया कुमार। अच्छा, क्या कारण रहेगा कन्हैया कुमार को लाने का? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा गरीब आदमी, ईमानदार है, और कन्हैया कुमार भी गलत करेगा तो ये जनता उसको भी निकाल के बाहर कर देगी। अच्छा, कन्हैया कुमार पर अभी हाल ही में कुछ हमला हुआ था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आजकल आदमी पैसा दे के किसी को भी पिटवा देता है, और सरकार जिसकी होती है वो भगवान से बड़ा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग सड़क पे आए, कुछ भी करें। मीडिया खरीद लो, अखबार वालों को खरीद लो, अपनी खबर छपवाते रहो, झूठ बोलते रहो, क्या हो सकता है? हम सच नहीं बोल सकते, यानी सच पर भी ताला है। बिल्कुल ताला है जी, अगर हम खड़े होकर सच बोल देंगे तो या तो हम मारे जाएंगे या हम जेल जाएंगे। यानी दिल में कुछ ना कुछ भड़ास है। बिल्कुल जी, पूरी डर बैठा है, डर बैठा है। हम सच नहीं बोल सकते। जिस दिन हम चोर को चोर कह देंगे उस दिन हम जेल जाएंगे या मारे जाएंगे, दो में एक बात साफ है। तो 25 तारीख को वोटिंग भी है। बिल्कुल है जी। तो फिर इस भड़ास को किस रूप में निकालने जा रहे हैं? वोट ही है शायद, वोट भी का आने वाले समय में ख़त्म हो जाए लोगों का, अगर ये हाल रही तो। चलो, तो परिवर्तन रहेगा या फिर उम्मीद है? उम्मीद है, उम्मीद, उम्मीद है। चलो, उम्मीद है यहाँ पर परिवर्तन की। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आप? बाबूलाल नाम है। बाबूलाल जी, क्या लगता है आपकी बार, जिस तरीके से अभी आपके सामने भाई साहब ने कहा कि सच बोल देंगे तो यहाँ पर मारे जाएंगे और जुबान पर भी ताला लगा दिया जाता है, क्या लगता है? नहीं, सच्चाई है कि आज के ज़माने में कोई सच्चा बड़े बड़े नेता सच नहीं बोल पा रहे हैं। अभी आपने कहा कि भाई कन्हैया कुमार पे हमला हुआ, तो हमारे देश में तो कन्हैया कुमार क्या, यहाँ के केजरीवाल को भी हमला होता था, जो यहाँ पे दिल्ली में पिटा वो समझ लो मुख्यमंत्री बन गए। उनके ऊपर स्याही फेंका जाता था, थप्पड़ पड़ा था, ऐसे कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा तो एमपी बनना उनका पक्का, समझ लो डिसाइड है। पहली बात तो ये है कि देश में, ये पूरे भारत देश में हम जहाँ बैठे, ये नंदगिरी इलाका है, लोकसभा का है, यहाँ पे आज से 10 साल पहले तो ये आपका पूरा पार्क ऐसे लगता था जैसे हम किसी हरियाली उसमें जंगल सा आ गए। लेकिन जब से ये हमारे मनोज तिवारी जी आए, जब से इसका देख रेख नहीं है ना, तो इसका कोई कुछ है, सारा धूल और मिट्टी उड़ता रहता है। लोग, ये सीनियर सिटीजन है, ये घर के स्वास्थ्य के लिए आते हैं, चलो भाई वहाँ दो पे थोड़ा स्वास्थ्य सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे और मिट्टी धूल खाते हैं। और रही बात ये कि भाई देश का स्थिति क्या है, तो देश में मोदी जी ने, ये बीजेपी की सरकार ये कर दिया कि गरीब से गरीब का बच्चा शिक्षा, और उन्होंने इलेक्शन पर दोनों पर उन्होंने पंद्रह लगा रहे हैं। आज के 5 साल की बच्ची है, अगर वो किताब लेने जाती है तो उस पर GST लगता है। आप बताइए, गरीब का बच्चा जो 5 रुपये की किताब खरीद के लाते तो आज वो 12 रुपये के GST लग के, जो बड़े पढ़ाई के ऊपर सबसे ज़्यादा बच्चों का गरीब आदमी होता था। इसलिए गरीबों के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया कि ना पढ़ सकते हैं, जो पढ़ेगा नहीं वो नौकरी नहीं मांगेगा। अच्छा, जो नौकरी मांगेगा तो कहाँ से दोगे? इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि गरीब का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़े, पढ़ेगा तो उसके ज्ञान बुद्धि होगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई हमें ये अपना हक मांगेगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा, और फिर इलेक्शन पे उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि इलेक्शन नहीं, गरीब आदमी लड़ नहीं सकता, क्योंकि इसलिए नहीं लड़ सकता कि इतना बड़ा घुसपैठ, यानी एक तरह का यहाँ पर आप लगा लो कि बेरोजगारी ऐसे फैला दिया कि लोग बाग आज के ज़माने में कि कोई बच्चा पढ़ लिख के MBA BA कर करके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले घर के लड़के आपने देखा होगा सड़कों पे, बच्चे BA कर करके बैग टाग के घूम रहे, 10,000 की 12,000 की नौकरी नहीं मिल रही उनको। शिक्षा होती, शिक्षा तो चलो कर लेते, लेकिन उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुझे इतना पढ़ाई लिखाया हमने और तू घर में बैठा हुआ, तो बच्चा गुस्से में आके वो बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो अपने देखता है कि मेरी रोजी रोज़गार कहीं नहीं है तो नशे के तरफ चला जाता है। रोज़गार होगा, नौकरी होगा तो बच्चा अपने काम और उसमें बुद्धि ज्ञान लगाएगा, और जब खाली बैठा होता तो पता है कि वही खाली शैतान का, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर किसी को काम पे डेली लगा रहेगा तो
गलत रास्ते पे जाना कब सोचेगा, सबेरे जाएगा घर पे सारा दिन किसी कंपनी या किसी दफ्तर में काम करेगा तो उसका दिमाग काम की तरफ रहेगा और सारा दिन घर में बैठेगा या अपने बच्चों यार दोस्तों के साथ रहे, क्योंकि वो बच्चे भी बेरोजगार हैं तो उनका गलत रास्ता अपनाते, वो कहीं किसी छीना झपटी या कहीं दारू के नशे कुछ ना कुछ नशाबाजी करता शुरू कर, मतलब बेरोजगारी के चलते क्राइम का स्तर भी बढ़ता है। हाँ, बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि घर के हर व्यक्ति काम पे है इस टाइम है। पहले तो इंदिरा गांधी ने कुटीर उद्योग लाई थी तो हर घर में काम होता था, हमारे देश कुछ विकास की तरफ चल रहा था। तो विकास, लोग कहते हैं विकास होगा, कहाँ से विकास होगा जब बच्चे नहीं घर में काम कर पा रहे ना, जो बड़े बूढ़े वो बेचारों को काम ही नहीं कहीं। तो मोदी लहर अब की बार नहीं चलेगी क्या? मोदी लहर चलती है तो सारी सुनामी आ जाती है और हर कैंडिडेट ध्वस्त हो जाता है और मोदी लहर में भाजपा के सारे प्रत्याशी जीत जाते हैं। मोदी लहर सर क्या है, हम बताएं आपको कि मोदी लहर में इस भाजपा सरकार में सिर्फ तीन ही नेता, वो है उनका क्या नाम है जो उनका अध्यक्ष है वो, दूसरे अमित शाह हैं, तीसरे जो हमारे मोदी साहब हैं, बाकी उनके पार्टी में कोई नेता है ही नहीं। अच्छा, मनोज तिवारी से मिलने का अवसर मिला? मनोज तिवारी को सर हमने तो कभी दूर से देखा है, हमने तो कभी मिलने का हमें चांस नहीं। वो अभी यहाँ पे कोई प्रोग्राम किए थे बागेश्वर का, उन्होंने करोड़ों रुपए तो यहाँ खर्चा करा दिए लेकिन इस पार्क में 1,00,000 रुपए खर्चा करके और बोरिंग करा के इसे हरा भरा कर देते तो मेरे ख्याल से ये लोग जो यहाँ आते तो दुआएं देते। आप कैमरा घुमा के देखें, पूरी धूल मिट्टी जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान के जंगल में बैठे हैं, इस तरह से ये देश यहाँ का पार्क हुआ पड़ा है। सर यहाँ का तो ये है कि भाई अब की बदलाव चाहती है जनता, बदलाव। तो ये वही पार्क है जहाँ पर 14 मई को बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने यहाँ पर एक सभा अपना एक प्रोग्राम किया था और यहाँ की जनता ने एक इतनी बड़ी बात कही है कि करोड़ों रुपए लगाकर जिस प्रोग्राम को यहाँ पर किया गया था, काश वो करोड़ों रुपए ना लगाकर इस प्रोग्राम को ना कर मात्र 1,00,000 रुपया जो एक सांसद निधि से निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मात्र 1,00,000 रुपया अगर इस पार्क में लगा दिया जाता तो ये पार्क आज हरा भरा और ये पार्क आज खुशबूदार होता और यहाँ की जनता यहाँ आकर आनंद महसूस करती। लेकिन करोड़ों रुपए प्रोग्रामों में तो लगा दिए जाते हैं, जनता के विकास के लिए 1,00,000 रुपये भी खर्च नहीं किए गए। जनता काफ़ी आक्रोश में है और काफ़ी यहाँ पर इनका मूड पूरा का पूरा बदला हुआ नज़र आ रहा है और लगता है अब की बार जिस तरह से यहाँ की जनता का ओपिनियन है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में यहाँ पर एक ही विकल्प इनको नज़र आता है, वो है कन्हैया कुमार।